जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्थायी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है, उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जा करके श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए, हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। पारस चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा, अस्थायी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेन्द्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहाँ देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि ना होती है और ना ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देवशास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर 2.5 द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहूति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। छल कपट करने वाला व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है। वो धोखा दूसरे को देके जाता है, देने को छल कपट दूसरे के साथ करता है लेकिन स्वयं फंस जाता है। बंधु, इस तरह चलने से गृहस्थ के अंदर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, समझो। इतनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं तो पकड़ में नहीं आती हैं।
इसलिए बंधु जो भक्ति करता है, जो जिनाला जाता है, जो भगवान के शरण में लौटता है, उनकी पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को अपने अंदर से छल कपट छोड़ देना चाहिए, लालच छोड़ देना चाहिए, मायाजाली छोड़ देना चाहिए। तुम कितना भी करते रहोगे लेकिन ये माया कभी नहीं छोड़ेगी और ये धर्म तुम्हारा साथ नहीं देगा। समझो, तुम कितना भी कहोगे मैंने धर्म किया है लेकिन ये धर्म साथ नहीं देगा। बंधु इसलिए स्वयं समझो, स्वयं अपने रास्ते पर आ जाओ। देखो आपत्ति से मत भय खाओ, भगवान से भय खाओ, पाप से भय खाओ, पाप से डरो, माया से डरो, लेकिन सत्यता से मत डरो, नियम से मत डरो, मर्यादा से मत डरो। यदि बंधु तुमने इनको अपने अंदर बैठा लिया तो तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी निकलेगा। समझिए, ऐसे रास्ते पर चलने वाले के पास आपत्तियां भी आती हैं, उन आपत्तियों को सहन करके यदि शांति से पार कर जाएगा तो पार भी हो जाती है और नदी के ऊपार हो जाता है। समझो बंधुओं, इसलिए हर व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन को देखना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन धर्म की पहली सीढ़ी है। यदि गृहस्थ के अंदर पहली सीढ़ी पे पांव जमा लिया तो छत पर जरूर पहुंच जाओगे, और पहली सीढ़ी पर पांव नहीं जमा पाया तो छत का रास्ता नहीं मिलेगा। बंधु समझो मेरी बात को, तुम्हारे भगवान तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। किससे प्यार कर रहे हैं? वो तुमको बुला रहे हैं, अपगुणों का त्याग कर दो। तुम्हारे पास कोई अवगुण नहीं होगा तो जरूर तुम मेरे पास आ जाओगे। तो जिनमाणी देख रही है कि कौन सा गृहस्थ का जीवन बच्चा परम पिता के रास्ते पर चलता है। जिनमाणी मत तलप रही है, सिखा रही है, बेटे मायाचारी में मत पड़ो, लालच में मत पड़ो, मोई ममता में मत पड़ो, बुरे आचरणों को मत अपने अंदर बैठा लो। मां देखकर तलफ रही है, लो रही है। समझो, जिनमाणी मां है वो तलफ रही है। बंधुओं स्वयं समझो, स्वयं समझ जाइए। यदि नहीं समझ पाओगे तो फिर कहां भटकोगे? ये कितने प्यार से बुला रहे हैं, इस प्यार से तुम इनके पास नहीं जाओगे तो बताओ दिशा को बदल दोगे? ये तुम्हें देखकर तड़प जाएंगे,
मैंने कितने प्यार से बुलाया, लेकिन भरतचीत का मनुष्य मेरे पास नहीं आ पाया, जबकि मैं अपने रास्ते पर लगाना चाहता था, हमारे रास्ते को पकड़ लो, जैसे हम बैठे तुम भी बैठ जाओ, लेकिन नहीं बैठना चाहते, तुम कैसे बनना तो चाहते हैं, लेकिन माया को नहीं छोड़ना चाहते हैं। बंधु तो अब तुम कैसे बने, नहीं कैसे अभी नहीं बन पाए, समझो बंधु, जब प्यार का बंधन बनता है तो बार बार समय बुलाने का आता है, जिसे पारस ने यहाँ आकर के यहाँ के समाज को कितना बुलाया, कितना समझाया, जब उनकी किस्मत में कुछ लिखा नहीं था तो उन्होंने उनके प्यार के शब्द को ठुकरा दिया, तो क्या देखने को मिलेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ये जीवन चरित बताएगा। अब सोचो, जब बुरा समय होता है तो अच्छाई कितनी की जाए, कितना भी अच्छे के लिए बढ़ाया जाए, लेकिन अंदर नहीं रुकता है, समझो, क्योंकि हमारे कमल उसी आसन पर तो दूसरा विराजमान है, इसलिए तुम्हारी वाणी हम अंदर रुक भी नहीं सकती है। इसलिए बंधुओ, समझो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, मनुष्य पर्याय चली जाएगी, लौट कर नहीं मिलेगी, इसी मनुष्य पर्याय में आज तुम्हारे देव अरंत तुमको बुला रहे हैं। और तुमको उनका बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है, बोलो ये किस्मत की खोर है, जब किसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, उसको कितनों गद्दी पे बैठा ला जाए, वो बैठना नहीं चाहता है, समझिए। इसलिए बंधु, इस समय का खोर नहीं है, ये भाग का खोर है, बुरे समय में भी अच्छे समय आ जाते हैं, वो समय बड़ा समय पार हो जाता है और अच्छे समय देखने को मिल जाते हैं, लेकिन तुम बदलना नहीं चाहते हो, बदल जाओगे तो तुमको मिल जाएगा। इसलिए बंधुओ, स्वयं समझो, अपनी अंदर की दृष्टि को जगाओ, अंदर की दृष्टि को जगाओ, अंदर कल्पना करो कि कहां तक सत्य, कहां तक असत्य, तो तुम्हें जितना दिखाई देगा सत्य ही सत्य दिखाई देगा, असत्य दिखाई नहीं देगा। देखो इस समोसण के अंदर पारस ने भगवान की भक्ति का रूप तो दिया है, लेकिन माया का रूप नहीं दिया है, समझ जाओ, तुम्हें माया में नहीं फंसा, इसलिए तुमको आना अच्छा नहीं लगता, जहां माया का फंसाना चलता है वहां तुमको अच्छा लगता है, जहां मायाचारी का रास्ता चलता है वहां तुमको अच्छा लगता है,
समझिए। इसलिए बंधु स्वयं अपनी दृष्टि को खोलो, ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। हमें अपने शरीर को जरूर तपाना है, अपने अंदर से गलत भावना का त्याग करना है, गलत आभूषणों का त्याग करना है। हमें सही मार्ग पकड़ना है, सही दिशा पकड़ना है। बंधुओं, जब तुम सही दिशा पकड़ोगे, सही मार्ग पकड़ोगे, तुम मुस्कुराओगे अंदर अंदर। जब अंदर से मुस्कुराओगे तो ऊपर भी मुस्कुरा जाओगे। इसलिए बंधु, अंदर की मुस्कान को मत खो। अंदर की मुस्कान मनुष्य को उठाती है, मनुष्य को गिराती नहीं है। समझ लेना। इसलिए हमें ऐसी मुस्कान के साथ रास्ता पकड़ना है कि कुछ भी हो, अब देवादेव अरंदेव के पास पहुंचना है और इनके पास पहुंचकर इनके क्षण में लौट जाना है। यदि तुम इनके क्षण में लौट गए तो समझ जा, सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर से नहीं, अंदर से, अंदर से लौटना है। माय चाय से नहीं लौटना है, ये माय चाय तो समझ जाएंगे। समझो। इसलिए बंधुओ, अपने देवादेव अरहंदेव को पहचान करो। समझो, ये सही है कि गलत? ये गलत नहीं है, ये सही है, सब जगह विराजमान है, लेकिन इनको किसी ने पहचाना नहीं है। इनको ज्ञानियों ने इनको पहचान नहीं पाया, बुद्धिमानों ने इनकी क्रिया को नहीं परख पाया।